आज विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष एड्स रोग की जागरूकता के लिए विश्व भर में 1 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस बार भी एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के प्रति देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर एड्स रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के माध्यम से भारत में एड्स को लेकर जागरूकता लाई गई है। वर्ल्ड एड्स डे हर साल हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। लगभग 35 वर्ष पहले इसकी शुरुआत हुई थी और हर वर्ष एड्स दिवस की एक कोई थीम को लेकर, ये थीम WHO द्वारा दी जाती है और पूरे विश्व में इस तरह का वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत इस तरह से हुई थी कि जिससे हम एड्स के बारे में पब्लिक को अवेयर कर सकें और एक माहौल बना सकें ताकि जो विभिन्न देशों की सरकारें हैं वो एड्स की गंभीरता को समझें और इसको रोकने के लिए उपाय उठाएँ। तो 35 वर्षों का परिणाम ये है कि अब धीरे धीरे लोगों में एड्स के बारे में जागृति आई है। सरकारों ने, कई देशों की सरकारों ने, भारत सरकार ने भी इसको गंभीरता से लिया। हमारे यहाँ इंडिया में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 1985 में और उसके बाद से उत्तरोत्तर ये प्रोग्राम चल रहा है और इसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। तो वर्ल्ड एड्स डे जो इस बार का है उसकी थीम है रिमेम्बरेंस एंड कमिट। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे जो HIV से पीड़ित व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी उनको हम इस साल याद कर रहे हैं और अपने आप को कमिट कर रहे हैं HIV जो डिजीज़ है इसके खात्मे के लिए, ताकि इसको हम इस सदी में संपूर्ण रूप से नष्ट कर सकें और इसका खात्मा कर सकें। हमारे से एड्स से जुड़े जो भी संस्थान हैं अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा आयोजित किया जाता है। हमारे ART सेंटर में हम SMS मेडिकल कॉलेज से संबंधित जो अस्पताल हैं उनके अंदर जागरूकता कार्यक्रम करते हैं। साथ ही जो निकटस्थ स्कूल कॉलेजेस हैं उनके अंदर भी जाकर विद्यार्थियों के साथ HIV से संबंधित प्रश्नोत्तरी या क्विज का कार्यक्रम करते हैं, पोस्टर मेकिंग करते हैं। तो एक ये प्रयास रहता है कि एड्स के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक कर सकें।